नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल ट्रैवली मुंडा पर। दोस्तों, आप हरिद्वार और ऋषिकेश तो कई बार गए होंगे, लेकिन आज हम आपको इस वीडियो में ऋषिकेश में स्थित नीर वाटरफॉल की यात्रा भी कराएंगे। पूरी जानकारी के लिए इस वीडियो को अंत तक देखें। तो चलिए यात्रा आरंभ करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम कश्मीर गेट बस अड्डा पहुँचे। दिल्ली से हरिद्वार तक का किराया 305 रुपये था। यहाँ हर 2 घंटे बाद हरिद्वार और ऋषिकेश की बस निकलती है। लास्ट बस आपको 12 बजे तक ही मिलेगी, उसके बाद आपको हरिद्वार या ऋषिकेश की कोई बस नहीं मिलेगी। हमारी बस हरिद्वार के लिए रात को 11:45 बजे निकली। बस ने हमें लगभग 3:15 बजे हरिद्वार पहुंचा दिया। आधी रात को यहाँ बहुत ही ठंड हो रही थी, इसलिए हम सब ने शोले ओढ़ रखी थी। बस अड्डे से हर की पौड़ी लगभग 1 किलोमीटर दूर था। चूँकि हमारे पास समय बहुत था, इसलिए हमने यात्रा पैदल ही आरंभ कर दी। यहाँ पहुँचते हमने ही देखा कि कुंभ के मेले के लिए बहुत ही सुंदर और अद्भुत तैयारियाँ की गई है, और यहाँ से मनसा मैया का मंदिर भी दिख रहा है। हर तरफ रंगों भरी रोशनियाँ ही रोशनियाँ अलग अलग प्रकार की है, और हरिद्वार पूरा जगमगा रहा है। और यहाँ गंगा मैया की धारा बहुत तेज है। यहाँ हम कुछ पल रुके और यहाँ हमने सेल्फीज ली और कुछ क्षण इस नज़ारे को देखा। थोड़ा घूमने के बाद 4:30-5 बजे के करीब हमने नहाना आरंभ किया। यहाँ पर नहाने की व्यवस्था भी बहुत ही अच्छी कर रखी है। गंगा जी का पानी बहुत ही ठंडा था और बहुत ही तेज़ बह रहा था। नहाने के बाद हम सब लोग तैयार होकर मनसा देवी के लिए निकल गए। मनसा देवी के लिए आप उड़न खटोले से भी जा सकते हैं, जिसका किराया है ये है। क्योंकि हम लोग पैदल गए तो आपको पैदल की यात्रा दिखाते हैं। और हम यहाँ पहुँच गए हैं और जंगल से जा रहे हैं। अब देखिए रास्ता बड़ा ही खतरनाक। वो ये बहुत ही ताड़ा बीहड़ है, बहुत ही खतरनाक चढ़ाई। वो पीछे आ रहे हैं लोंडे जवान। अरे 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 तू बड्डा हो गया सही में। जवान लोंडे आ रहे हैं और ये बहुत ही खतरनाक चढ़ाई। जैसे कि आपने देखा और हमने ये भीड़ पार कर ली है। मनसा देवी की चढ़ाई पर खाने पीने की सुविधा भी है। जगह जगह आपको छोटी छोटी दुकानों पर खाने पीने की पूरी पूरी सुविधा मिलेगी। मंदिर के बाहर बहुत ही सुंदर चित्र बना रखे हैं। अंदर आपको जूते चप्पल रखने की भी सुविधा मिलेगी। मनसा देवी के दर्शन के बाद हम लोगों ने नाश्ता किया, उसके बाद हम ऋषिकेश के लिए निकल पड़े। ऋषिकेश के लिए आपको ऑटो या टेम्पो मिल जाएगा, जिसमें आपको पर हेड 70 रुपये देने होंगे। टेम्पो आपको लक्ष्मण झूला से 1 किलोमीटर दूर उतारेगा। हरिद्वार से ऋषिकेश ऑटो ने हमें लगभग 1 घंटे में पहुंचाया। लक्ष्मण झूला पहुंचने के बाद हम पहुंचे 7 मंजिला मंदिर। यहाँ पर मंदिर में 12 ज्योतिर्लिंग है और ये बहुत ही ऊंचा मंदिर है। अगर आपको राफ्टिंग करनी हो तो यहाँ 500 रुपये से स्टार्टिंग है। इस मंदिर से हमें एक और मंदिर दिखा, वो भी बहुत ऊंचा था, मगर उसकी 2 फ्लोर बंद पड़े थे। मंदिर के दर्शन करने के बाद हम सब लोग नीर वाटरफॉल के लिए निकल पड़े।
हम यहाँ पे आ गए नीर वाटर फॉल, और यहाँ का बहुत ही अच्छा व्यू है। नीर वाटर फॉल लक्ष्मण झूला से लगभग 5 किलोमीटर दूर था, जिसके लिए हमने गाड़ी की और हमें आना जाना पर पर्सन 100 रुपये पड़ा। नीर वाटर फॉल का रास्ता पहाड़ों के बीच में से है, एक तरफ खाई है और एक ही तरफ गाड़ी चलती है, और नीर वाटर फॉल की टिकट 30 रुपये लगती है। यहाँ पे आपको खाने पीने की सुविधा भी प्राप्त होगी। जगह जगह यहाँ छोटी छोटी दुकानें हैं, जिससे आप खाने पीने के लिए कुछ भी ले सकते हैं। ये बहुत ही सुंदर और अद्भुत प्राकृतिक वाटरफॉल है, जो कि बहुत ऊंचाई से बह के आ रहा है पहाड़ पे से। यहाँ पे आके आपकी पूरी थकान उतर जाएगी, और ये वाटरफॉल पूरा पैसा वसूल वाटरफॉल है। दो तीन घंटे नहाने के बाद हम यहाँ से ऋषिकेश बस अड्डे की ओर निकल पड़े। अब हम जा रहे हैं कहाँ? इधर बस अड्डा वापसी ऋषिकेश के। अभी अभी वाटर नीर से आए, जा रहे हैं अब हम। कार ने हमें उसी ऑटो स्टैंड पर छोड़ा जहाँ से हमारे द्वार से ऋषिकेश के लिए आए थे। ऑटो से 70 रुपये पर हेड देना होगा। ऑटो लगभग आपको आधे पौना घंटे में ऋषिकेश बस अड्डे पहुंचा देगा। ऋषिकेश बस अड्डे पहुंच के हमने यहाँ खाना खाया, और यहाँ हमने देखा कि यहाँ से केदारनाथ के लिए भी बसें जाती है। ऋषिकेश से दिल्ली की बस का किराया 345 रुपये पड़ा। तो चलिए दोस्तों, आज की यात्रा यहीं समाप्त होती है। फिर मिलते हैं अगली यात्रा के साथ। दोस्तों, अगर आपको यात्रा पसंद आई तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर करें, और आपको कुछ पूछना हो तो कमेंट करें। नमस्कार।